आगे बढ़ो। यार की है सारे गवर्नमेंट ने हमें लोन दिया है 6 लाख का, लेकिन मुझे लगता है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पूरा होमवर्क नहीं करती है। एक एसी कमरों में बैठ के प्लान्स बनाए जाते हैं, उन्हें यह नहीं पता कि 200 क्लिनिक्स चलाने के लिए पर डे की इनकम जो डेंटिस्ट को चाहिए वो 10 से 12 लाख चाहिए, और वो 10 से 12 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? वो तो आप आम लोगों से ही निकाल रहे हो ना, तो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं आप लोगों को लूटो। तो मैं आज जम्मू की जनता से एक बात कहना चाहता हूँ, आप देख लीजिए, आपको आगे जाके इलेक्शन भी आने वाले हैं, आप देख लीजिए आपकी आपका फ्यूचर है, आपके आने वाला कल है, आपके बच्चों के आने वाला कल है और जम्मू कश्मीर का आने वाला कल है। सो आप देख लीजिए आपको किसको चुनना है, तो सोच समझ के चुनिएगा, क्योंकि ये आगे आपके बच्चों का भविष्य। आज हम डॉक्टर जो 10 साल पढ़ाई करके नेशनल लेवल एग्जाम करके सड़कों पे आके खड़े हुए हैं, तो आपके बच्चों का क्या? कल हो सकता है कि आप में से काफी बच्चे हमारे साथ हो, हमारी जगह खड़े हो। तो और बाकी रही हमारे जो बीएसएफ एस्पिरेंट्स है वो भी सड़कों पे आ चुके हैं, हमारे सारे यूथ सड़कों पे आ चुका है। मैं उन सब की तरफ से अपनी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को एक बात कहूंगा कि
ये समझ लीजिए कि आप यूथ रुकने वाला नहीं है, यूथ अब जाग चुका है। हमारी जो जितने भी यूथ की जनता, चाहे वो बीएसओ हो, सीएसओ हो, जितने भी हो, वो सारे जाग चुके। सो हमें लाइटली ना लिया जाए, हमारी बात को आगे रखा जाए, प्रायोरिटी बेस पे रखा जाए, और ये खाम का ये लोन की स्कीम हमारे आगे ना खड़ी की जाए। ये हम ये लोन एक्सेप्ट नहीं करते किसी कारण।